आपकी उम्र में मैं था उन दौरान, मैं बोर्डिंग स्कूल में था नासिक में। नासिक हिंदुस्तान का एक शहर है, उस वक्त एक छोटा सा कस्बा जैसा था। शायद आप लोगों को तजुर्बा नहीं होगा, जो स्टूडेंट्स बोर्डिंग स्कूल्स में जाते हैं या जाते थे वो शायद इस बात से वाकिफ हो गए कि वहाँ पेरेंट्स नहीं होते हैं। आप 6 साल के भी रहेंगे आपको अपना काम करना पड़ता है, अपने कपड़े कबर्ड में रखो, अपने जूते निकालो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। हमारे स्कूल में एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा था, यतीम था, और ये बच्चा बहुत ही छोटी उम्र में स्कूल में दाखिल हो चुका था। मैं देखता था इसे कि ये बच्चा अंधेरे में फजर की नमाज़ पढ़ता था सवेरे उठकर खुद बगैर अलार्म के, और उसको देखकर मैंने भी अच्छी आदतें हासिल करना शुरू किया। छोटा सा बच्चा नमाज़ पढ़ता है, हम भी पढ़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि हम तो आजकल लग्जरी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लग्जरी, और लग्जरी की वजह से पता है आपको कभी कभी आदमी फेल हो जाता है अल्लाह की टेस्ट में, दुनिया में भी फेल हो सकते हैं। देखो मैं सुनाऊँ आपको, आपने शायद फिरौन का किस्सा पढ़ा होगा। आज के जो यहूदी हैं उनको बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल जब फिरौन के शिकंजे में थे, यानी फिरौन का जुल्म उन पर होता था, इनके बेटों को ज़बा कर दिया करता था, इनकी बेटियों को ले जाया करता था, इनसे 10-10, 15-15 घंटा काम कराता था, मजदूरी कुछ भी नहीं देता था, या गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे ये लोग। ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिन, बरसों तक, इट कुड बी डिकेड्स, 10 साल, 20 साल, 80 साल, देर आर नो फिगर्स अवेलेबल, पता नहीं। लेकिन ये लोग सब्र करते थे, और कुरान के अंदर भी आता है कि अल्लाह ताला ने इनको बचाया क्योंकि इन्होंने सब्र किया। तो जब सब्र करते रहे तो अल्लाह ताला ने फिरौन को डुबा दिया। तकलीफ थी तो अल्लाह याद आता था, सब्र करते थे, एक दूसरे को नसीहत देते थे और जमे रहे जब हालात ख़राब थे। उसके बाद जब मिस्र से निकले तो लग्जरी दी अल्लाह ने, मनोसलवा, जन्नत का खाना आता था। पता है मनोसलवा जो आता था वो पकाना नहीं पड़ता था। इब्ने कसीर जो कुरान की तफसीर के बड़े स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि खाना रेडीमेड आता था और बर्तन धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, खा लिया फरिश्ते उठा के लेकर गए, शाम को दूसरा फ्रेश खाना। ऐसा नहीं कि आज का खाना फ्रिज में रख दिया और मनोसलवा का कल है, एक दिन का है, 2 दिन का है, जी नहीं, एकदम हर टाइम पे इनके लिए खाना फ्रेश आता था। और जब ये धूप में जाते थे ना तो इनके सर पे बादल आ जाता था, छतरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इनको, इनके सर पे बादल आ जाता था और पत्थर में से इनके लिए पानी निकाल दिया अल्लाह ने। इतनी सारी लग्जरी मिल गई कि ये अल्लाह को भूल गए, अनग्रेटफुलनेस। इन्होंने कहा कि अल्लाह क्या रोज़ मनोसलवा, कांदा खाना है, ककड़ी खानी है, कचुम्बर खाना है, ये सब। तो अल्लाह ताला ने उनको शहर से भगा दिया। लग्जरी कभी कभी नुकसान करती है। मेरा एक दोस्त कहा करता था कि निसार भाई जब मैं बम्बई में था तो मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, बस स्टॉप पे खड़े रहे, ट्रेनों में लटक कर, जैसे पूरा बम्बई ट्रेन में कैसे लटक के जाता है वैसा मैं लटक कर ट्रेनों में जाता था, एक एक घंटा बस का इंतज़ार और खाना पीना जो थोड़ा बहुत था वो रहता था, और फिर ऑफिस में भी काम करना, बड़ी सख्त लाइफ थी। लेकिन सख्त लाइफ होने के बावजूद भी मेरी नमाज ही नहीं छूटती थी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप मस्जिद में जाओगे ना आपको गरीब तबका ज़्यादा मिलेगा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो ये दोस्त कहता है कि मेरी नमाज ही नहीं छूटती थी। फजर के वक्त मैं फजर पढ़ लेता था, थोड़ा आराम करके फिर काम पे चला जाता था, दोपहर को थका हुआ रहता था, असर में थका हुआ, मगरिब में थका हुआ, लेकिन नमाज हम जमात के साथ पढ़ते थे, फ्रेश हो जाते थे। फिर पैसे आने शुरू हो गए, दुबई आ गया, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, और दुबई में तो शायद आप जानते हैं हर कमरे में एयर कंडीशन होता है। तो कहने लगा एयर कंडीशन आने के बाद फजर की नमाज छूटने लगती है। जब ट्रेन में लटक कर जाते थे, जब बस में धक्के खाते थे, उस वक्त नमाजें नहीं छूटती थी, बनी इसराइल की तरह। कि अल्लाह ने फिरौन की तरफ से तकलीफ दी तो ये जमे रहे, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने मनोसलवा दिया तो ऐ मूसा सब्र नहीं होता। मालूम ये पड़ा कि लग्जरी के ऊपर भी सब्र करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद हैं, इसको ग्रेटफुलनेस कहते हैं।